नए साल के अवसर पर वाल्मीकि नगर में टूरिज्म की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जी हाँ, 5 सितारा होटल की तर्ज पर निजी क्षेत्र का पहला रॉयल रिजॉर्ट को पश्चिमी चंपारण जिला के डीएम ने सैलानियों के लिए शुभारंभ कर दिया। साथ ही डीएम ने अन्य कारोबारियों को वाल्मीकि नगर एवं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टूरिज्म के क्षेत्र में निवेश करने का अनुरोध। जिला अधिकारी ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रॉयल वाल्मीकि रिजॉर्ट का विधिवत उद्घाटन किया। इधर उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल पर रिजॉर्ट के शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इंडो नेपाल सीमा अवस्थित वाल्मीकि नगर के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आने वाले सैलानियों के लिए रॉयल रिजॉर्ट पहला 5-स्टार रिजॉर्ट है। जिला अधिकारी डॉक्टर नीलेश देवरे ने कहा। जी सर, आज काफी खुशी हो रही है कि वाल्मीकि नगर, जिसको बिहार का कश्मीर कहा जाता है, यहाँ पे एक प्राइवेट इनिशिएटिव से रिजॉर्ट का आज ओपनिंग हुआ है। मुझे पूरी आशा है कि बिहार के जो टूरिस्ट वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को घूमने के लिए आते हैं वो यहाँ पे भी रुकेंगे। यहाँ जो फैसिलिटीज़ है वो 5-स्टार होटल की तरह इन्होंने बनाने की कोशिश किया है, और यहाँ पे लोग रुकेंगे, और बिहार का जो एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, यहाँ के टूरिज़्म को इससे बढ़ावा मिलेगा। और इन्होंने जो ये प्रोजेक्ट आज किया है रॉयल रिसोर्ट करके है, रॉयल टाइगर रिसोर्ट, रॉयल वाल्मीकि रिसोर्ट, इसके जैसे और बनने चाहिए ताकि यहाँ पे टूरिस्ट की फैसिलिटी बढ़े और बिहार में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है इसका टूरिज्म में एक अच्छा नाम हो। सर, प्रशासन की तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा यहाँ पे? प्रशासन की तरफ से रोड की फैसिलिटी हो या इनके छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हो, जैसे सफारी के प्रॉब्लम, जिसमें पूरा का पूरा सहायता किया जाएगा ताकि प्राइवेट इनिशिएटिव को हम बढ़ावा दे सकें। जंगल सफारी की मतलब व्यवस्था रहेगी? जंगल सफारी के लिए मैं शीघ्र ही बात करूंगा और जो भी छोटी मोटी मुश्किल है उसको रिजॉल्व करेंगे। बताया जा रहा है कि VTR में राज्य, देश और विदेशों से सैलानियों का आगमन निरंतर हो रहा है। सैलानियों को इस रिजॉर्ट के प्रारंभ होने से काफी बेहतर सुविधाएं मिलेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बम्बूहट, सुइट सहित वाल्मीकि नगर गेस्ट हाउस की व्यवस्था की गई है। कई बार पर्यटकों की संख्या ज्यादा होने से स्थानीय होटलों में कमरा खाली नहीं रहता है। पहली बार दिल्ली, नोएडा और कानपुर से आए सैलानियों ने भी इस कदम का स्वागत किया है। वहीं इस 5-स्टार होटल के निर्माता समाज सेवी बुटलू सिंह के कार्यों की डीएम ने भी सराहना करते हुए इसे पर्यटन क्षेत्र में बेहतर योगदान बताते हुए वन विभाग और प्रशासन द्वारा सहयोग का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि बड़गांव स्टेट घराने के समाज सेवी बुटलू सिंह ने अपनी निजी जमीन पर करोड़ों की लागत से निर्मित 5-स्टार होटल को नए साल के स्वागत में इसे सैलानियों और पर्यटकों के नाम कर दिया है। घर परिवार के सदस्यों में भी खुशी का माहौल है। यहाँ 4-5 हजार तक की लागत से लंच और ब्रेकफास्ट के साथ 3-सीट सेपरेट बेडरूम नए साल में सैलानियों के लिए सज धज कर तैयार है। तो इंतजार किस बात का है, आप भी आइए, मुस्कुराइए कि आप वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगल में 5-स्टार होटल में हैं। जी, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। मैंने फेसबुक पे देखा इस रिसोर्ट के बारे में और सुना कुछ लोगों से, मुझे ये बहुत अच्छा लगा रिसोर्ट। इसमें कोई डिफेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इट्स वेरी नाइस। और यहाँ पे ऐसा कोई भी जगह नहीं है इतना अच्छा, और हम लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं इसको कि लोग आए देखें, इतनी अच्छी जगह है, इतना पीसफुल है, लोग अपने मेंटल पीस के लिए आके यहाँ कुछ समय गुजार सकते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ ये रिसोर्ट कैसा है? ये रिसोर्ट बहुत अच्छा है, कह तो रहे इतना परफेक्ट है कि कोई डिफेक्ट हम नहीं निकाल सकते इसमें, बहुत अच्छा है ये। स्नेहा आनंद की रिपोर्ट दिवाकर कुमार के साथ, एटीएन लाइव पटना। एटीएन लाइव।